अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलावल मलिक और आप देख रहे हैं बिलावल जॉब्स यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं कि नहीं तो टेंथ के पेपर हैं जो उनका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, कि उनका जो उनका सिलेबस वगैरह जो था जिस तरह पहले दिया जाता था कि फलां चैप्टर का फलां चैप्टर के साथ कॉम्बिनेशन होगा और इसमें से इतना लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से इतने लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, इसमें इतनी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह जो था वो सब कुछ चेंज हो गया है। तो इसके बारे में जो आए वो इम्पोर्टेंट बात जो वो भाई आपको बताने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसको स्किप नहीं करना है, ताकि मेरी जो बात है वो आपको क्लियरली समझ आ सके। और ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये नाइन्थ और टेंथ के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नाइन्थ और टेंथ वाले इस बात को क्लियरली तवज्जो के साथ सुनो। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले, क्योंकि हम देने वाले हैं आपको इस तरह की और बहुत सी मालूमात, नाइन्थ टेंथ FSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बहुत से पेपर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। और जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं या जो नौकरियों की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने बहुत सी वीडियोस पहले अपने चैनल में बना ली हैं, बहुत सी जॉब से मुतलिक वीडियोस बनाई हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो के और मुझे जिस जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जॉब आई हुई है पाकिस्तान में, सुबह पंजाब में, फाटा में, खैबर पख्तूनख्वा में या फेडरल में, तो मैं फौरन उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो मेरे भाई फारिग घूम रहे हैं या जिनको जॉब नहीं मिल रही या इस तरह का कोई मसला आ रहा है तो वो जॉब पे अप्लाई कर सकें। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आपको आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को दबाना है ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले और आप उस पर अमल दरामद कर सकें। तो फ्रेंड्स, हाँ, जो मैं आपको बात बताने वाला था वो बात ये थी कि जो पंजाब में और इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी बोर्ड हो गए, इस तरह के पूरे पंजाब के बोर्ड, बलूचिस्तान के बोर्ड, सिंध के बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा के और फेडरल बोर्ड, और ये फाइन उड़ रही थी कि इन बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया है और इनके जो थे मतलब के कॉम्बिनेशन थे चैप्टर के साथ वो खत्म हो गए। हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज वगैरह बनेंगे। तो ये जो अफवाहें आपको मिल रही थी और मैंने भी सुना था कुछ दिन पहले न्यूज में, तो ये सारी अफवाहें बिल्कुल गलत। असल बात यह है कि सुबह पंजाब के जितने भी बोर्ड थे, खबर मतलब के पूरे पाकिस्तान के बोर्ड वालों ने ये ऐलान किया है कि उनका कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जिस तरह पहले एमसीक्यू जिस चैप्टर से आते थे, जिस तरह उन्होंने कॉम्बिनेशन शो करा दिया है, स्कूल वालों को दे दिया, बिल्कुल उसी तरह आते हैं। तो जैसे ही नाइन्थ और टेंथ के लोगों ने सुना कि उनका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज हो गया है तो वो खौफ की लहर दौड़ गई उनमें, खासतौर पर नाइन्थ के लोगों में। और ये एक कुदरती मैटर भी होता है क्योंकि आप पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं नाइन्थ क्लास का, तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि अब क्या करना है, कि पेपर कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या होगा, पता नहीं क्या इस तरह होंगे। रिलैक्स हो जाएं, इस ये कोई बड़ा मसला नहीं होता है। जिस तरह आपने पहले भी मिडिल का पेपर दिया हुआ है, इम्तिहान दिया हुआ है, सेम उसी तरह होता है। बस आपने अपनी मेहनत अभी से स्टार्ट कर लेनी है, बस थोड़ी दिनों बाद आपके पेपर होंगे तो आप अभी से अपनी मेहनत स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पढ़े थोड़ा थोड़ा करके, अपने हर रोज हाफ हाफ चैप्टर पढ़े, हाफ हाफ चीज करें, तो इस तरह आपका पेपर है जो वो अच्छे तरीके से हाल हो सकते हैं, हाल हो जाएंगे। और मेरी तो दिल से दुआ है कि जो मेरे भाई या बहन इस वक्त नाइन्थ और टेंथ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कि उनके पेपर बहुत अच्छे हों। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मेहनत करें, ये कॉम्पिटिशन का दौर है और इस वक्त अगर आपने मेहनत ना की नाइन्थ और टेंथ के एग्जाम में तो आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में या FSC में कहीं भी आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत से लोग नाइन्थ टेंथ करके फारिग घूम रहे होते हैं, उनको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा होता तो वो प्राइवेट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपने प्राइवेट किसी कॉलेज में एडमिशन करना है तो आपने नाइन्थ टेंथ क्यों रेगुलर, सवाल यह उठता है। तो फ्रेंड्स, मेहनत करें, क्योंकि अगर आपने रेगुलर तौर पर FSC करनी है, इंटरमीडिएट करनी है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये नाइन्थ और टेंथ ही आपकी बेसिक्स क्लासेस हैं, आपको इनमें मेहनत करनी होगी। कोई पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, मैं आपके साथ हूं। अगर आपको इम्तिहान में या जिंदगी में कहीं भी कोई भी मसला आता है स्ट्रेटजी के मुतालिक या किसी चीज के मुतालिक, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, Facebook ID मेरी है, उसका जो मैंने लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आप हर वक्त मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई भी मसला हो आप मुझसे बिला झिझक शेयर कर सकते हैं। I am with you। तो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अपने लिए ये वीडियो बना रहा हूं,
तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि इसमें आप लोगों का फायदा हो। जो आपने गलत अफवाहें सुनी है अब तक 9th और 10th के जो पेपर पैटर्न था, जो चीजें थी वो चेंज हो गई हैं, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम वही पेपर पैटर्न है, वही से आपका कॉम्बिनेशन हुई है। एक और बात, जो आपको टीचर सवाल बताएं, आजकल क्योंकि अभी जो दौराना चल रहा है ये स्कूलों में टेस्ट का चल रहा है, तो हाफ बुक, पहले चैप्टर का, हाफ चैप्टर का, फिर हाफ बुक का, फिर फुल बुक का, तो इसमें जो प्रोफेसर हैं, जो आपके पढ़ाने वाले लेक्चरर हैं, टीचर्स हैं, इनको क्योंकि पढ़ा पढ़ा के तजर्बा इतना हो चुका होता है, क्योंकि 5 साल के पहले पेपर भी अगर इनसे पूछ लो तो इनको पता होगा कि 5 साल जो पहले पेपर आया था उसमें कौन कौन से सवाल थे। तो इनसे जरूर गाइडलाइन लीजिएगा, मैं भी आपको गाइडलाइन दे दूंगा कि आपने किस तरह पेपर तैयार करने हैं, इसके जो है इस चैप्टर के अहम सवाल क्या होंगे, तो वो अहम सवाल आपने टीचर से भी पूछ लेना, उनको अच्छी तरह तैयार करके जाना है। एक और फ्रेंड्स, मैं आपको बात बता दूं कि नकल, बिल्कुल नकल का कंसेप्ट भी जहन में नहीं लाना है, क्योंकि ये बात अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, प्लेजरिज्म पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप नकल करते पकड़े गए तो आप अगले 5 साल के लिए पेपर नहीं दे पाएंगे। अगले 5 साल पेपर ना देने का मतलब है कि आपकी जिंदगी के 5 साल गए, फिर आप किसी काम के नहीं। अगर आप 9th 10th में आपकी उम्र है 14 से 15 साल तक के अगले 5 साल अगर देखेंगे तो आपकी उम्र 20 से 25 साल हो जाती है। 20 से 21 साल के दरमियान अगर आपने फिर नहीं तो 10th की, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आजकल 20 और 22 साल के नौजवान पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और आपस में कर रहे हैं। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग नकल वगैरह ITC। तो आपने नकल बिल्कुल नहीं करनी है, अपना घर से पढ़कर जाना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप नमाज जरूर पढ़ा करें, अपने माँ बाप की दुआएं लें, अपने रिश्तेदारों की दुआएं लें, किसी को तंग ना करें, नमाज जरूर पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अपनी स्टडी पर फोकस करें, इधर उधर की फजूल बातों को छोड़ें और देखते रहें बिलावल जॉब्स यूट्यूब चैनल, क्योंकि इसमें मिलने वाली है आपको बहुत सी एग्जाम के मुतालिक इंस्ट्रक्शन, तो इन इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। तो आज जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था वो बात ये थी कि 9th और 10th का जो पेपर पैटर्न है बिल्कुल सेम हुई है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जिस तरह आपको पहले बता दिया गया था कि पहले और तीसरे चैप्टर में से एक लांग बनेगा, तो बिल्कुल उसी तरह लांग बनेगा, शार्ट उसी तरह बनेंगे, MCQs उसी तरह बनेगी, तो आपने बिल्कुल फॉलो करना है, अपने टीचर का एहतराम करें, नमाज की पाबंदी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो सोच रहे हैं कि पता नहीं उनका क्या होगा, 9th का पेपर कैसे देंगे, 10th का पेपर कैसे देंगे, तो हरगिज परेशान ना हूं, मैं आपके साथ हूं। आपने सिर्फ तैयारी करनी है, पेपर देना है, पूरा पेपर पैटर्न सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं। वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो कंफ्यूज हैं इस बारे में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत, गुड बाय।